वेलकम टू द इजी ट्रिक चैनल फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज दो स्टूडेंट्स हु लर्न समथिंग न्यू इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पाइथन लैंग्वेज एंड द प्रीवियस पार्ट्स ऑल प्रीवियस पार्ट्स अवेलेबल अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल लिंक्स अवेलेबल अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दो स्टूडेंट्स हु लर्न about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial and after that you will shift into that tutorial. This is the next part of the control statements. So in the previous part we was discussed about the decision making and the branching statements like if else if and the nested if. So this is the second more part, that is the 9.2, is the continuity part of the ninth part with the shorter video and the decision making and the branching statement. So those students who don't see the previous parts, the link will be available into the description box. You can check it out, that link, and after that you will shift into that particular tutorial. So this is the next part with the looping statement. This is the looping statement one, that is the while loop. While loop is used for the iteration part. When we will enter into the iteration part, like कोई भी हमने number prints करवाने हैं, मान लो कि 1 से लेके 5 तक कोई number prints करवाने हैं, तो हमें looping चाहिए होगी कि ये नहीं ना कर सकते हम 1 से लेके 5 तक बार 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 प्रिंट की स्टेटमेंट्स लिखते जाए. वन टाइम स्टेटमेंट है. पाइथन के प्रोग्राम्स में आपने देख लिया है कि डायनामिक लैंग्वेज ही इसीलिए एडवांटेज बन चुकी है कि इसमें कुछ डिक्लेरेशन हमें बार बार नहीं करनी पड़ती. सो इसके टेस्ट कंडीशन में जो होता है वाइल का सिंटेक्स पहले देख लेते हैं, फिर वो प्रोग्राम देखते हैं जो हम बात कर रहे हैं कि वन टाइम ही आपको बनानी पड़ती है कंडीशंस, बार बार नहीं बनानी पड़ती. तो कंडीशंस बनाते टाइम हमने ध्यान भी यही रखना होता है कि करना क्या है. देखो वाइल के आगे हमारी आएगी टेस्ट कंडीशन जो भी हमने बनानी है, और इसके अंदर ही हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है. जब स्टेटमेंट लिखने का पार्ट आ जाएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता चलनी शुरू हो जाती है कि हमने स्टेटमेंट्स कहाँ लिखनी है, क्योंकि सिंटेक्स में ही आप सबने देख ही लिया है कि जो पार्ट स्टेटमेंट में लिखने हम जा रहे हैं वो पार्ट जो है वो स्टेटमेंट वाला वाइल की कंडीशन पहले आएगी, और स्टेटमेंट जो भी हमने इसके साथ आइटरेशन के साथ परफॉर्म करनी है वो बाद में आएगी. सो अब प्रोग्राम देखते हैं इसका. प्रोग्राम में देखिए, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है काउंट, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही शुरू करने लगे हैं कि दैट वाइल काउंट इज लेस देन 5. हम सिंपल एक वो है कि मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं इटरेशन के थ्रू, लूपिंग के थ्रू. हम देखेंगे कि कैसे वो करता है. काउंट लेस देन 5 दे रहे हैं, ये कंडीशन आ गई. काउंट इज द वेरिएबल एंड लेस देन इज द ऑपरेटर एंड 5 टोटल अमाउंट की इसके बाद जो है वो लूपिंग पार्ट ना चले. जब ये लेस देन 5 जो है कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये लूप से बाहर आ जाए. काउंट लेस देन 5 में जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंटर करेगा, तो काउंट को हमें वेरिएबल दिया है 0. 0 ग्रेटर देन 5 मीन्स कंडीशन इज ट्रू, एंड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल हमारा आगे कंट्रोल चला जाएगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं दो, पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग एंड लूपिंग इज इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट में ये दोनों पॉइंट ही आ जाएंगे, पाइथन इज गुड प्रोग्रामिंग एंड लूपिंग इज इंटरेस्टिंग. आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. तो काउंट में हमारा वेरिएबल था 0 स्टार्टिंग पे. इनिशियलाइजेशन में हमें लेके चलना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कुछ था नहीं, तो 0 हमें लेके चलना है. यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर से 0 प्लस 1 कर दिया 1, तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई 1, क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं है तो अभी कंट्रोल बाहर नहीं आ सकता, तो लूप से बाहर आ ही नहीं सकता. तो ये वापस कंट्रोल ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा हमारी कंडीशन पार्ट के ऊपर. यहाँ पे काउंट की वैल्यू अभी है 1. 1 लेस देन 5 मीन्स कंडीशन इज अगेन ट्रू, ये दोनों चलेंगे. अब नीचे आएगा तो काउंट की वैल्यू लास्ट पे हमने इंक्रीमेंट छोड़ी थी 1, 1 प्लस 1 हो गई 2. कंट्रोल अभी भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि फॉल्स यहीं से पता चलनी है, कंडीशन बाद में नहीं पता चलती. यहाँ पे आया, काउंट की वैल्यू है 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन इज ट्रू, अगेन अंदर जाएगा, ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे. 3 टाइम्स प्रिंट हो गई ना, 1 टाइम 0 के टाइम पे, फिर 1 के टाइम पे, अब 2 के टाइम पे भी इसने चेक कर लिया प्रिंट, ये 2 बार 3 बार हो चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हमने काउंट का वेरिएबल बढ़ाया 1, तो यहाँ पे आ गया 3. 3 लेस देन 5
अगेन द कंडीशन इज ट्रू, तो फिर ये 3 times मतलब टोटल 4 times देखो प्रिंट आउट हो चुके हैं, कंडीशन 5 की बनाई है हमने। तो आगे गए तो 3 + 1 हो गया 4, 4 < 5 अगेन कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन जब तक ट्रू है ये लूपिंग पार्ट कंट्रोल नहीं छोड़ सकती, तो ये आइटरेटिव लूपिंग कहलाती है, कंडीशनल लूपिंग कहलाती है। कंडीशनल भी कह सकते हो, आइटरेटिव भी कह सकते हो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू। तो ऑटोमेटिकली आपका पार्ट जो है वो इसको अभी प्रिंट करवाएगा। अब काउंट का वैल्यू बढ़ेगी तो 4 + 1 हो गया 5, 5 < 5 कंडीशन फॉल्स तो कंट्रोल अपना कंट्रोल छोड़ देगा और आपके सामने आउटपुट आ जाएगी पाइथन इज गुड प्रोग्रामिंग एंड लूपिंग इज इंटरेस्टिंग। कितनी बार 1, 2, 3, 4 और 4 के पास में भी हमने करवाई थी 5 और हमने 5 times ही करवानी थी। इंडेक्स क्योंकि 0 लेके चल रहे हैं, अगर हम 1 लेके चलते ना काउंट में वैल्यू तो फिर हमें ऑपरेटर में चेंजेस करना पड़ता, क्योंकि 5 < 5 तो कंडीशन गलत हो गई, तो हमें यहाँ पे ऑपरेटर लेना पड़ता लेस देन इक्वल्स टू वाला। आप दोनों भी ले सकते थे ऑपरेटर अगर काउंट से 1 से वैल्यू शुरू करोगे। सो इनफाइनाइट लूप में ये कब जाता है, इनफाइनाइट लूप तब जाता है जब आपने इसका कोई कंडीशनल पार्ट एंडिंग पार्ट दिया ही नहीं हुआ। मान लो किसी भी पार्ट में आपने ये प्रोग्राम चला लिया है, तो आपका एक सिंपल सा पार्ट है उसी प्रोग्रामिंग शेल में, आपने अगर यहाँ पे इसको ये सिंबल हैश लगा के कमेंट बना दिया ना, तो ये कमेंट बन गई, तो बाकी प्रोग्राम आप चला रहे हो तो ये इनफाइनाइट लूप में एंटर हो जाएगी, क्योंकि इसको टेस्टिंग कंडीशन भी नहीं मिल रही और ऊपर से अगर आपने यहाँ पे कोई काउंट दिया ही नहीं है तो फिर भी चला जाएगा। इन केस ऐसा कभी हो जाए तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट खुद ब खुद नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बार बार ये चीज़ें 00 या ऐसा कुछ भी छपाना शुरू कर देगा जो गार्बेज वैल्यू में भी आएगा। तो इसमें से बाहर आना हो इनफाइनाइट लूप में तो आपको प्रेस करना है Ctrl+C। जैसे ही आप प्लस प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी जो लूपिंग की जो एक हिंड्रेंस आ रही थी, कंडीशन स्टक हो गई थी, वो उससे बाहर आ जाएगा और कंट्रोल आपका बाहर आ जाएगा। ये इनफाइनाइट लूप भी होती है बेसिकली, कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ गलती कर जाते हैं तो इसमें वो एंटर कर जाती है, ठीक है। एंडलेस लूप इसको भी कहते हैं, ठीक है। अब हम एक और पार्ट देखते हैं व्हाइल का ही, कि अगर हम कोई और पार्ट 1 से 10 तक ही नंबर प्रिंट करवाने हैं तो कैसे करवाएंगे। अगेन इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू 0 की बजाय 1 कर दी है, तो देखो अभी हमने क्या लगा दिया है, लेस देन इक्वल्स टू, जो भी हम बात कर रहे थे कि आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट करवाने हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर, तो कंडीशन में हमारा 10 आ गया। अगर हमने यहाँ पे n नंबर्स करवाने हो, यूज़र अपनी मर्जी के करवाए, तो यहाँ पे आएगा n, तो आपको इसके बाद एक प्रिंट मैसेज में नंबर वैल्यू पूछनी पड़ेगी कि इफ इट इज़ द इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे मैसेज करवाओ इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर्स, ठीक है। तो फिर आपसे वो ऑटोमेटिकली पूछता जाएगा ना वैल्यू। तो अब हम व्हाइल लूप चला रहे हैं तो सिंपलेस्ट लूप है, तो इतना देने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो आप सीधा 10 दे रहे हो तो प्रिंट करवा रहे हो काउंट में जो आता जाएगा बाहर। अभी हमने देखा ही है कि इसने लास्ट में देना है सब कुछ, पहले तो आपको देना ही कुछ नहीं है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है और ये एंड ऑफ द लूप लास्ट मैसेज आएगा बिल्कुल बाद में जब ये प्रिंट आउट हो जाएगा। 1 में गई लूप, ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 < 10 प्रिंट काउंट क्या होगा अभी 1, काउंट प्लस 1 2 वापस गया यहाँ पे 2 < 10 अगेन 1 प्रिंट हुआ था, तो अब काउंट में वैल्यू गई है 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है। बट जब यहाँ पे आएगा तो 2 वैल्यू थी, प्लस 1 किया तो ये हो गया 3, count < 10 means 3 < 10 condition is true, print count 3 print हो जाएगा। ऐसे ही आपकी लूप जो है वो टिल 10 तक चलती जाएगी और काउंट प्लस 1 होता जाएगा। जब आपका प्लस हो के 10 < 10 भी प्रिंट होना है, क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन अभी ट्रू है, तो जैसे ही आप काउंट की वैल्यू 11 पे बढ़ाओगे तो 11 < 10 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल अपना पार्ट छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो बाहर इसको हमने एक मैसेज इस बार दे दिया है कि वो कह दे एंड ऑफ लूप, आपको नंबर प्रिंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, क्योंकि हमने 10 तक ही चलाया है। 10 तक जब नंबर प्रिंट हो गए तो इसने कंडीशन में अपना पार्ट छोड़ देना है,
और पार्ट छोड़ने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एंड ऑफ द लूप। ये मर्जी है आपकी, अगर आप यूज़र को कंसाइज एरिया में दिखाना चाहते हो एंड ऑफ द लूप तो मैसेज लगा भी सकते हो, नहीं लगाया हमने पिछले प्रोग्राम में तो कोई एरर नहीं आती, ठीक है। इसी तरह से हमने इवन ऑड वाले प्रोग्राम्स भी बनाने हो तो वेरी वेरी सिंपल, इवन के नंबर सबको पता है कि ऑटोमेटिकली 2-2 के डिफरेंस पे आते हैं, जैसे 0, 2, 4 डिविजिबल बाय 2 हो जाए ना, डिविजिबल बाय 2 में आप मॉडुलर सबट्रैक्टर से भी कर सकते हो, बस उससे भी सिंपल मेथड है कि हमने अगर 100 तक प्रिंट करवाने हैं नंबर तो 1 से स्टार्ट करवा दो, आई को 0 से स्टार्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि 0 ही 1 तो हो नहीं सकता, 1 तो ऑड की कैटेगरी में आ गया ना। तो हमने यहाँ पे पहले नंबर प्रिंट करवा दिया है कि पहले ही ऑटोमेटिकली एंड में बताता जाए कि क्या आएगा, इंक्रीमेंट बाय 2 कर दी है हमने कि 0, आई की वैल्यू 0 है तो प्लस होती जाएगी ना, 0 प्लस 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 100, 2 प्लस 2, 4 लेस देन इक्वल्स टू 100, देन 4 प्लस 2, 6 लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ऑटोमेटिकली 100 तक सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे इसी छोटे से कोड से, तो आपको एंड ऑफ लूप का मैसेज भी मिल जाएगा। ये काम था हमारी व्हाइल लूप का। इसी तरह से आप ऑड नंबर्स वाला प्रोग्राम खुद ट्राई कर सकते हो शेल में जाके, तो आपको उससे रिजल्ट मिल जाएगा। सो मेजर वर्किंग व्हाइल लूप की है ही यही कि उसने आइट्रेशन चलानी होती है। सो इन दिस पार्ट हमने ये सारा व्हाइल लूप का देख लिया। सो द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ द फॉर लूप, जो हमारी नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट है, डेफिनेटली टिल नाइट तक एक और वीडियो अपलोडेड कर दी जाएगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, काइंडली कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।